जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मायरा असर पे। तो आज सिद्ध करना है कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। और पता है आपको परिमेय संख्या को हम पी बाय क्यू बराबर के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को पी बाय क्यू बराबर नहीं के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर अब पी बाय क्यू कह सकते हैं और परिमेय बराबर अपरिमेय संख्या बराबर नहीं पी बाय क्यू। ठीक है, आपको पता है कि अभी जस्ट बताए कि और सुन लो, ये जो है ना अपरिमेय संख्या है तो आपको इसका जस्ट उल्टा मान लेना है। क्या है? उल्टा मान लेना है। परिमेय अगर सिद्ध करना है तो अपरिमेय मान लेंगे और अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। तो आपके पास क्या है? अपरिमेय है तो माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अगर आप परिमेय संख्या माने, क्या माने आप परिमेय संख्या पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे। परिमेय संख्या मान लिए ना, पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे तो रूट थ्री आप लिखोगे, लिख दिया। अब देखो इसमें गुणनखंड जो है ना, इसका केवल दोनों का पी और क्यू का एक है, गुना तो एक ही से कर सकते हो। तो आप कह सकते हैं और बराबर समीकरण इसका एक मान लो, क्या मानो? समीकरण एक ये मान लिया आपने। देखो P एवं Q का उभय निष्ठ गुणनखंड केवल एक है, केवल एक है। क्या है? केवल एक है, है ना? तो अब समीकरण एक में दोनों तरफ वर्ग करने पर आपने समीकरण एक को क्या किया? वर्ग कर दिया। तो पी वाई क्यू बराबर आप रूट थ्री लिख दिया और आपने अभी जस्ट लिखा कि वर्ग किया, तो वर्ग भी कर दिया आपने। हाँ, तो पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर था तो दोनों पे है। तो ये यहाँ रूट था और यहाँ वर्ग है तो केवल तीन होगा। अब पी स्क्वायर बाय क्यू इंटू क्यू थ्री लिख सकते हैं ना ये, क्योंकि अब देखो स्क्वायर था तो दो बार। तो आप क्या करो, एक ऊपर ले जाओ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, मतलब ये आप दोनों क्यू से इसको गुना कर सकते हो, तो एक क्यू से आपने कर दिया। पी स्क्वायर बटे क्यू बराबर थ्री क्यू। अब देखो ये आपका भिन्न में है, ये पूर्णांक में है, तो दोनों पूर्णांक है लेकिन ये क्या है, भिन्न के रूप में है और ये पूर्णांक है, भिन्न के रूप में है और ये पूर्णांक है। यहाँ आया है बराबर, भिन्न बराबर कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? भिन्न बराबर कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो यही बात लिखना है, भिन्न बराबर कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा मानना गलत था,
अतः रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।